हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हो देसी फार्मिंग। और यहां पे कर रहा हूं मैं देसी बर्ड फार्मिंग यानी कि देसी मुर्गी पालन। तो दोस्तों, हमने जो इंक्यूबेटर बनाया था और उसमें जो अंडे हैचिंग के लिए रखे थे, और तो आज उन अंडों का पांचवा दिन हो चुका है और आज हम चेक करेंगे कि उसमें फर्टिलिटी आई कि नहीं आई, मतलब कि अंडों में चूजा बन रहा है या नहीं। दोस्तों, यहां पर हमने देखिए, दिखा देता हूं आप लोगों को कि 19 तारीख को हमने इस एग रखा था। तो यहां पर आप देख सकते हो, ज्यादातर अंडों में मैं सभी लगभग अंडों में डेट डाल देता हूं। जब मैं हैचिंग के लिए रखता हूं तो आप देख सकते हो मैं सब में डेट डाल दे सकता हूं। तो ये 19 तारीख को हमने अंडे रखे हुए थे और आज ये 25 तारीख हो गई है। तो एक आज ये मान लिया 5 दिन हो चुके, आज 6ठा दिन है। तो यहाँ पर अब मैं इसमें फर्टिलिटी चेक करने जा रहा हूँ कि क्या इसमें फर्टिलिटी आई है या नहीं आई है। तो चलिए अभी चेक करते हैं। फर्टिलिटी चेक करने के लिए हम दूसरे मोबाइल का हमें यूज करना पड़ेगा या एक टार्च का यूज करना पड़ता है। और उठाते हैं, तो दोस्तों देखिए, यहां पर हमने इसको मोबाइल की लाइट के ऊपर रखा हुआ है। यहाँ पर आप देखिए ब्लड सर्किल यानी कि हल्की हल्की नसें टाइप पे जो होती हैं, जिस तरह से उस तरह से इसमें दिखाई पड़ रहा है। और अंदर देखिए ध्यान से तो थोड़ा सा एक हल्का सा डॉट टाइप में दिखाई पड़ेगा, जो कि इसका चूजा होता है, एक बच्चा बनना शुरू हो जाता है। तो मतलब इस अंडे में चूजा बनना शुरू हो गया है। तो अभी मैं दूसरा अंडा चेक करता हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये एक अंडा मैंने उठाया है तो इसमें कोई भी फर्टिलिटी नहीं है। इस अंडे में कोई ब्लड सर्किल नहीं है, ये सिर्फ इसमें से दाग है हल्के से और कोई देखिए नहीं है एकदम से। ये अनफर्टाइल अंडा है, मतलब इसमें से चूजा नहीं बनेगा और ना ही चूजा निकलेगा। तो इस अंडे को हम अलग निकाल सकते हैं और इसको खाने में भी यूज किया जा सकता है। और ये देखिए, इसमें भी थोड़ा सा डार्ट टाइप में और चूजा इसमें भी बन रहा है, ये भी फर्टाइल अंडा है। मैं लगभग हर कोने से एक अंडा चेक करता हूं कि कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, चूजा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, टेम्परेचर चारों तरफ मिल रहा है कि नहीं। इसमें भी देखिए फर्टिलिटी आ चुकी है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अगर आप भी देसी फार्मिंग करते हो तो हमारे साथ जरूर जुड़े। अगर आपका कोई सवाल किसी तरह का है तो आप लोग हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। जब 10 दिन का हो जाएगा ये एक, तो इसमें फिर से हम चेक करेंगे कि चूजे की क्या कंडीशन है। तो 5 दिन के बाद, नेक्स्ट 5 दिन के बाद आपको एक नया वीडियो मिलेगा जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि 10 दिन में आप कितना बड़ा चूजा हुआ है, क्या चल रहा है और इसमें कितना मूवमेंट हो रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।